क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम के लिए ग्रुप स्टडी करना ठीक है या फिर गलत है। देखिए, जब भी बात आती है ग्रुप स्टडी की तो एक माइंड में क्वेश्चन ये जरूर आता है कि यार ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। हमेशा से ही डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, सोशलाइजिंग ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिपेंडेंस बढ़ जाती है कि यार अगर वो एक थर्ड पर्सन नहीं आया तो जब तक हम अपनी ग्रुप स्टडी स्टार्ट नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिस वजह से ज्यादातर बच्चे ये मानते हैं कि ग्रुप स्टडी इतनी भी इफेक्टिव नहीं है। लेकिन कितना चाहो कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप ग्रुप स्टडी करना चाह रहे हो और एक सही तरीके से करना चाह रहे हो तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है, जिसका जिक्र आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जरूर पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ग्रुप स्टडी में सबसे पहला एडवांटेज होता है शेयर्ड नॉलेज एंड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लाइक आपके चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज हो सकती है, ये सारी चीजें। अब क्या होता है कि जब सभी स्टूडेंट एक साथ मिलते हैं, तीन या चार जनों का ग्रुप है या आप ज्यादा भी मान सकते हो, तो होता क्या है कि सबके अपने अपने टॉपिक्स होते हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ग्रुप स्टडी में जब पूरी एक बुक ना रिवाइज करके कुछ लिमिटेड सा पोर्शन कवर किया जाता है ताकि दूसरे जने उस चीज को करे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए कि एक ग्रुप है चार बच्चों का जिसके अंदर उनको एक पूरी बुक कंप्लीट करनी है और उस बुक में टोटल 12 लेसन है। तो मान लीजिएगा कि एक बच्चे के पास तीन लेसन आते हैं और चार बच्चों के पास टोटल 12 लेसन आते हैं। तो अब ग्रुप स्टडी का फायदा यह होता है कि एक बच्चे को सिर्फ तीन ही लेसन कवर करने, बाकी के जो रेस्ट 9 लेसन है वो अपने तीन मेंबर से अच्छे से डिस्कशन कर सकता है। तो ये सेम जो साइकिल है वो एक दूसरे के साथ रहती है, तो इससे क्या होता है कि कम टाइम में अच्छा खासा जो रिवीजन है वो हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका भी होता है ग्रुप स्टडी को फॉलो करने का। सेकंड है गेट टू नो न्यू लर्निंग टेक्निक्स। देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं स्टडी करने के, ग्रुप स्टडी में ये सबसे ज्यादा यूजफुल माना जाता है जब स्टूडेंट अपनी स्ट्रेटजीज को, अपनी टेक्निक्स को अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेमोनिक डिवाइस का यूज करते हैं, तो कुछ जो कॉम्प्लेक्स से कॉन्सेप्ट होते हैं ना उसको यूज करने के लिए, उसको समझाने के लिए वो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो ये जो चीजें होती है वो अदर स्टूडेंट्स के ऊपर ही एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती है ताकि उन्हें भी कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ आ सके। थर्ड है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस प्रोकेस्टिनेशन। ग्रुप स्टडी में ये जो प्रोकेस्टिनेशन जैसी चीजें आते हैं ना वो काफी ज्यादा नीचे आ जाती है, यानी कि रिड्यूस हो जाती है बच्चे की। इसमें होता क्या है, सिंपली सबसे पहला होता है इसमें अकाउंटेबिलिटी। हर एक स्टूडेंट्स को जवाब देना पड़ता है अपने दूसरे पीयर ग्रुप्स को। क्यों? क्योंकि देखिए, आप एक चीज को कंप्लीट कर रहे हो और मान लीजिएगा कि चार जनों में से तीन ही जने से हार्डवर्क कर रहे हैं और एक चौथा जना पीछे रह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे भी अपने आप को थोड़ा एम्बेरेंस फील होने लग जाता है कि यार मेरे सभी जो पार्टनर है वो मुझसे काफी आगे चलते जा रहे हैं। तो एक सही मेंटेन करने, एक सही ट्रैक पे आने के लिए जो पीयर ग्रुप है वो एक अच्छे खासे तरीके से चलता है, ताकि इसमें होता क्या है कि बच्चा उन चीजों से बच सके जो अकेले बैठ के उसे प्रोकेस्टिनेशन ज्यादा हो जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट करना हो या फिर किताब खोल के बैठ जाना लेकिन उसके ऊपर एग्जीक्यूट ना कर पाना। ग्रुप स्टडी में ये चीजें काफी कम हो जाती है और बच्चा थोड़ा प्रोडक्टिव ज्यादा हो जाता है। फोर्थ है डाउट कैन बी रिजोल्व इजिली। देखिए, क्या होता है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो किसी एक पर्सन के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए काफी हार्ड होते हैं, लेकिन वही जो कॉन्सेप्ट है वो किसी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए काफी इजी सा होता है। ये चीज आप अच्छे से मानते हो। अब ग्रुप स्टडी में क्या होता है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने जो चीजें आपको हार्ड लगते हैं किसी दूसरे के साथ शेयर करते हो तो वो आपको काफी इजी लैंग्वेज में या अलग अलग तरीके से उस कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से समझा सकता है। जो आपके माइंड में एक फियर होता है ना कि यार ये कॉन्सेप्ट या ये टॉपिक तो मेरे को कभी समझ आने ही नहीं वाला, मैं बार बार लर्न करता हूँ भूल जाता हूँ, लेकिन होता है ना फ्रेंड सर्कल की वजह से काफी अच्छे से समझ आ जाता है, तो जो डाउट्स होते हैं वो काफी अच्छे तरीके से रिजोल्व भी हो जाते हैं। नंबर 5 है इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस स्ट्रेस। देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को एग्जाम टाइम में क्या होती है, एंजाइटी की। अकेले बैठा बच्चा, चाहे उसने अपना प्रिपरेशन पूरी कर रखी है, सिलेबस भी कंप्लीट है, अच्छी खासी प्रिपरेशन है, बट फिर भी ये जो एंजाइटी है ना एग्जाम टाइम में खासकर बच्चों का पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन ग्रुप स्टडी में ये चीजें काफी हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी जो नॉलेज है वो दूसरे के साथ शेयर करता है और वो नई नई चीजों को भी लर्न करता है, जिसकी वजह से उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और बच्चा खुद भी कॉन्फिडेंट होता है और जो एंजाइटी जैसी चीजें होती है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। नंबर 6 है इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट। देखिए, क्या होता है कि सिंपली बच्चा जब किसी ग्रुप का पार्ट होता है ना तो उसके अंदर वो हर सारी एक्टिविटी उसे देखने को मिलती है। ग्रुप डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, ओपिनियन भी शेयर होते हैं,
है, जिससे क्या होता है कि बच्चों को नई नई चीजें सीखने को मिलती है और ऊपर से वो काफी ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है कि ये सारी चीजें टाइम पे करनी ही करनी है। अपने टाइम पे ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है सेल्फ स्टडी के अंदर जब कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ स्टडी बेकार है, बट समटाइम हो जाता है ना कि कभी कभार कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो कुछ ज्यादा ही टाइम हमारा ले लेते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और सबसे पहली चीज तो वही प्रोक्रेस्टिनेशन वाली, लेकिन यहां पे टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छे तरीके से हो जाता है जब आप एक ग्रुप का पार्ट होते हो तो। एंड लास्ट है हेल्प्स टू स्टे अपडेटेड। ये पर्सनली मेरा फेवरेट भी है और ऑब्वियसली मुझे इस चीज से भी काफी बेनिफिट मिलता है। क्या होता है कि कुछ ऐसी एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है जो किसी अदर पर्सन को नहीं पता होता, लेकिन आप ग्रुप का पार्ट हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, तो हर एक बच्चे के पास कुछ ना कुछ छोटी मोटी क्या होता है एक अपडेट होते हैं, जिससे कि वो दूसरों के साथ टाइम रहते हुए शेयर कर देता है। चाहे वो आपका असाइनमेंट हो, वाइवा हो, या एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वारी हो, या फिर आपका पैटर्न में चेंजेस हो वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जिससे कि आप एक ग्रुप का पार्ट होने की वजह से वो आपको अपडेट भी रखती है, तो एक तरीके से अवेयरनेस भी आपकी बढ़ाती है। तो ये सारे जो बेनिफिट हैं वो हमें ग्रुप स्टडी में ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप स्टडी से सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस होती है और टाइम खराब हो जाता है और वगैरह वगैरह सारी बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर आप इन चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो ग्रुप स्टडी एक तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको काफी इफेक्टिव तरीके से हेल्प कर सकती है। तो ये था आज की इस वीडियो में, होप्स हो कि आपको काफी पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।